हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग कोलकाता, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो एंड ऑल हैप्पी रहो। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे 8:50 और अभी हम उठ गए हैं। आज हमारी नींद जल्दी खुल गई है और सबसे बड़ी बात है कि जल्दी उठने के पीछे का एक रीज़न है। एक्चुअली मेरे दीदी को जाना है कि इंपॉर्टेंट काम से बाहर, तो मैं वो तो फटाफट उठ के नहा कर रेडी भी हो चुकी है और घर के सारे दो सदस्य सोए हैं और दो सदस्य उठ गए। दो सदस्य में से एक मैं और एक मेरी दीदी उठ गए हैं। मैं उठ के मस्त ब्रश वगैरह के चाय भी बना चुकी हूँ, मेरी दीदी चाय पी रही है उधर और मैं इधर ब्लॉग शूट कर रही हूँ। भैया और अर्शवीर दोनों ही सोए, अभी एकदम खराटे मार रहे हैं वो तो। और ये मेरी लेजू लेजो सीख गए, आ जाओ पुता पर, चलिए आ जाओ, चलिए आओ। हेलो लीजू, गुड मॉर्निंग। पहला गुड मॉर्निंग क्या? हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, चाय दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज पहली बार मेरे भैया के बाल देख लेने सोने लग रहे हैं। और गाइस अर्शवीर तो सोया है, सुबह 5 बजे उठ के पार्क में जाने वाला बच्चा अभी तक घोड़े बेच के सोया हुआ है। और जिसको जाना नहीं है वो देखो बैठ के। तो गाइस अभी मस्त पीते हैं चाय। और हेलो गाइस, तो देखो मेरी दीदी जा रही है एक इम्पॉर्टेंट काम से और मैं दीदी को जा रही हूँ बस स्टॉप तक छोड़ने। दीदी ने मना किया था फिर भी मैं जा रही हूँ, मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। और भैया और अर्शवीर तो घर पे सोए हुए हैं, तो चलते हैं। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा एरिया शो कर रही हूँ, देख लीजिए। Your smile keeps playing, your bounce away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't. तो गाइस अभी मैं दीदी को छोड़ के आ चुकी हूँ बाहर से और मैं यहाँ पे देखा कि ये भी उठ गए और ये अभी बड़ा अच्छा बच्चा बन गया, सारे ब्लैंकेट वगैरह उठा रहे। भैया उधर कर रहे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करके भैया रेडी होकर निकलेंगे बिकॉज भैया का आ गया कॉल। मेरी मम्मी मुझे छोड़ के नानी घर चली गई है। नानी घर नहीं गई गाइस, नानी घर भी कुछ इम्पोर्टेंट काम से गई है वो, फिर अनुल घर जाएगी, फिर ट्यूशन पढ़ा के वापस आएगी वो। हाँ जी, तो नहीं इधर देख लो गाइस, सब ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे वैसे पड़ा है, सब समेटना है, तो फटाफट हम लग जाते हैं अपने काम। भैया हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं। अर्शवीर पी रहा है गाइस सत्तू, भैया इसको जबरदस्ती पिला रहे हैं और भैया का सारा बैग वगैरह सब रेडी। और गाइस सब भैया आएंगे सीधा क्रिसमस के बाद। तो जी कब आओगे? मतलब क्रिसमस तो बाद ਉਸੇ ਬੂਟ ਥੋੜੇ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਭਈਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਟਲ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਔਰ ਅਭੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ ਗਾਇਸ ਅਭੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ 12:15 ਬਜ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ 11:45 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ उधर बेड वगैरह सब समेटना है फिर उधर अर्शवीर का खाना पीना और इधर किचन का भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है तो गाइस अभी फटाफट कर लेते फिर मैं आपको थोड़ा सा फ्री होकर मिलती हूँ बिकॉज फटाफट करके खा पी के गाइस मैं और अर्श भी जाएंगे दोपहर में पार्क में बैडमिंटन खेलने धूप सेकने और घर पे दीदी है नहीं दीदी जाएंगे शाम तक बिकॉज दीदी का एक इम्पॉर्टेंट काम भी है और प्लस ट्यूशन भी पढ़ाना था तो कर लेते हैं फटाफट और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया गाइस हमारा यही बस दोपहर का है तो दोपहर में और अर्श भी दिए अकेले लीजू का खाना तो चिकन चावल होता है और मैं और अर्श भी रहते कुछ देख लेंगे हल्का फुल्का बना के खाने का दादी का तो अलग ही होता है दादी तो देसी बंदी है देसी खाना खाएंगी वो हमारा मक्के का रोटी ये वगैरह वगैरह तो दादी अपना देख लेंगे मैं और अर्शवीर अपना देख लेंगे करके फिर पार्क जाएंगे तो आपको गाइस थोड़ा फ्री होके मिलती हूँ मैं। तो गाइस फाइनली घर के सारे काम हुए ख़त्म यार फाइनली ख़त्म हुए बहुत सारा काम था किचन वगैरह सब समेटना सब कुछ करना बाकी था तो अभी सब कुछ हो चुका है और खाना पीना भी गाइस समझ लो हो चुका है खाने पीने में आपको बता दूँ
अर्शवीर की दादी ने बनाए थे आलू वाले पराठे अपने लिए, तो अर्शवीर को लगा, अर्शवीर ने मतलब दादी को बोला कि मैं भी आलू वाले पराठे खाऊंगा, तो अर्शवीर ने आलू वाले पराठे के साथ दही खा लिया और मैंने एक पैकेट मैगी बना के खा लिया और घर के सारे काम भी ख़त्म हो गए। और गए अभी हम मैं और अर्शवीर जा रहे हैं थोड़ा पार्क बैडमिंटन वगैरह खेलने और धूप सेकने, तो आपको सीधा मिलती हूँ मैं पार्क में ही। बहुत ठंड लग रही है और सारा काम वाम करके भी थक चुके हैं, अकेले थी मैं घर पे आज, तो मैं भी तो था या भी गई थोड़ा देर पढ़ाई कर रहा था, जितना देर मैं अपने काम खत्म करी तब तक ये पढ़ाई कर रहा था। आपको मिलती हूँ सीधा पार्क में। तो गाइस अभी हम बैडमिंटन खेलने आ गए हैं पार्क में और यहाँ पे काफ़ी क्रिकेट मैच वगैरह चल रही है और ये महक शर्मा हमें मिल गई पार्क में, ठीक है। ये दादी के साथ बैठी हुई थी यहाँ पे और इसका और अर्शवी का दोनों का ये ट्यूशन है, तो हमारे हाथ में टाइम है 3:33 वो और 4:10 पे इनका ट्यूशन है, तो फटाफट खेलते हैं आधा घंटा और क्या। तो गाइस अभी बैडमिंटन खेलना हो चुका है और अभी थोड़े से देर में निकलेंगे, अभी नहीं बट अभी टाइम है 3:50 हुआ है, जाते हुए भी टाइम लगेगा। इन दोनों को देखो क्या हो रही है यहाँ पर, ये जिम में आए हैं गाइस, जिम कर रहे हैं। तो गाइस ये मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं जो आराम से जिम में मतलब जिम में जैसी मशीनें होती हैं वैसे यहाँ पर आराम से यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने भी किया यार, मैं तो थक गई, ठीक है। हम बैठे हुए हैं थोड़ा धूप सेकते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, 3:51 हो चुका है। तो फाइनली गाइस अभी घर पे आ चुके हैं, मस्त बैडमिंटन खेला हमने, एक्सरसाइज भी किए और गाइस अभी अर्शवीर के ट्यूशन का टाइम हो गया था तो अर्शवीर गया ट्यूशन और मैं बैठी हूँ बैल्कनी में, और मैं अभी थोड़ा सा गाइस सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने का, बिकॉज टाइम हो चुका है गाइस 4:32 और दीदी का तो अभी मतलब टाइम है आने में, ट्यूशन पढ़ा के वापस आएंगी वो। और गाइस यहाँ पे माँ शेरावाली का पूजा हो रहा है, उस वजह से तो काफ़ी भजन कीर्तन वगैरह ये सब हो रहा है, तो मैं थोड़ा करती हूँ रेस्ट, रेस्ट करके फिर उठूँगी, उठ के चाय वगैरह बनाऊँगी और बाकी तो सब हो गया। तो गाइस अभी मैं उठी थोड़ा सा रेस्ट करके, काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी और अभी गाइस मैं लगी उधर किचन में कुछ खाने पीने का देखने के लिए, क्योंकि बिकॉज दीदी का भी आने का टाइम हो गया है, टाइम हो जाएगा 6:46 और सभी भी ट्यूशन से अभी 5 मिनट पहले आया है, तो उसको कुछ खाने के लिए देती हूँ और खाने पीने का देखती हूँ क्या बनाना है। तो दीदी को कॉल किया तो दीदी ने बोला था कुछ है तो है नहीं, तो मैंने फ्रिज में देखा बैगन पड़ा है तो मैं ही बना दे रही हूँ, बैगन और ये सब कट करके रखा है मैंने, तो फटाफट खाना वाना बना के चाय वाय बना के रखती हूँ फिर दीदी आ जाए फिर मैं आपको बोलूँ। तो वैसे अभी दीदी मेरी आ चुकी हैं, सुबह से बेचारी गई हुई थी, मैंने मस्त गर्मा गर्म चाय वगैरह बना के रखा है और हाँ जी खाना वाना भी मैंने बना के रख लिया है, बस रोटी नहीं गाइस, मेरी दीदी ने रोटी नहीं खानी, चावल खानी है, देखो मैंने पूछा अभी, और टाइम गाइस हो गया 9:05 और मिलो मेरी दीदी से। हेलो दीदी, हाय गाइस, आज का दिन आपका कैसा गया? फिर अभी चाय जाती बहुत ही थकावट वाला गाइस, मेरी बंदी टायर्ड हो चुकी है, नोट मेरी बंदी मेरी दीदी। ये देखो अर्शवीर को भी मैंने दे दिया था दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह डाल सेक के दे दिया था, बच्चे ने भी खा लिया और अभी बच्चा अपना कर रहा है पढ़ाई। मम्मा ना मैं फोन दी लोडा, ये हमारी चाय। तो गाइस अभी पीते हैं चाय पानी फिर उसके बाद बनाती हूँ चावल, खाना वाना खा के टाइम से सोऊंगी, बिकॉज नहीं कल तो कहीं नहीं, वैसे तो अभी हॉलीडे ही चल रही है, टाइम से सोने का क्या, वैसे भी तो 9 तो बज गया, अभी चावल बनाऊंगी गैस पे रखूंगी, बनेगा टाइम तो लगेगा ना, फिर भी हमें सोते सोते 10-11 तो बज जाएगा, नहीं 12 ही बज जाएगा, बिकॉज मेरी एडिटिंग भी तो होती है ना गैस, मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है तो टाइम लग जाता है मुझे, तो फिलहाल अभी चाय पानी पीते हैं। फाइनली अभी इधर सारा खाना वाना मैंने बना लिया, एक चीज़ और ऐड किया है मैंने जो बनाया था उसमें, एक चीज़ और ऐड किया जो मैं आपको दिखाऊँगी अभी, और अभी जा रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, अर्शवीर कर रहा है पढ़ाई, दीदी उसको पढ़ा रही है, और यहाँ पे तो गाइस मत मस्त माता जी की जागरण हो रही है, तो वहाँ पे जा तो पाऊँगी नहीं मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह होगा, इसीलिए दीदी बता रही थी कि माता जी का जागरण हो रहा है जहाँ पे शेरावाली माता का पूजा हो रहा है ना वहीं पे, तो जागरण हो रहा है तो बहुत ही मतलब मस्त तरीके से कर रहे हैं चीज़ को, मतलब भजन वगैरह गा रहे हैं और बहुत कुछ मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है ना। और सो मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है। सो गाइस देखो ये एक जो ऐड किया था वो ये है, दाल भी बना लिया मैंने साथ में मस्त, ये रेड वाला दाल है, और ये लीजू का खाना गर्म कर ले रही हूँ
और ये हर्षवर के लिए पनीर, क्योंकि उसको बैगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है। और ये गाइस देखो हमारा बैगन आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है, मस्त दिख तो मस्त रही है, अब टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। और ये चावल, कैसा चावल हम काफ़ी दिनों के बाद खा रहे हैं। सो ये मतलब मेरे लिज्जू से, हेलो लिज्जू। तो गाइस अभी जा रहे हैं खाना वाना खाने, आपको मिलती हूँ खाते टाइम। गाइस अभी देखो हम लगे खाना खाने, ये हमारा पूरा खाना, खाना वाना खा के मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी फाइनली खाना वाना हो चुका है कंप्लीट, और अभी मस्त किचन वगैरह सब क्लीन अप करके आ चुकी हूँ। टाइम हो रहा है गाइस 12:56, और अब हम जा रहे हैं सोने। सो मेरी दीदी को देखो, और अर्शवीर हाँ मैं इतना ही अर्शवीर। तो गाइस अब जा रहे हैं फाइनली सोने, नींद बहुत आ रही है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, वैसे आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, देन चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।